नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टीवी शो से एक्टिंग की दुनिया में रखा कदम। साल 2003 में अमिताभ बच्चन की एक पारिवारिक फिल्म में भी अपने काम से लोगों का दिल जीता। गोविंदा की पॉपुलर एक्ट्रेस संग इस एक्टर ने दूसरी शादी रचाई थी। OTT पर तो इस एक्टर ने अपनी धाक जमा रखी है। साल 2003 में रवि चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी पारिवारिक सुपरहिट फिल्म बागबान में इस एक्टर ने अमिताभ बच्चन के ऑन स्क्रीन बेटे का किरदार निभाया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। कई दिग्गज सितारों से सजी इस फिल्म में इस एक्टर ने अपने काम से सभी का दिल जीत लिया था। रियलिटी शो बिग बॉस में भी इस एक्टर ने खूब वाहवाही लूटी थी। हम साथ साथ हैं और कई सुपरहिट फिल्मों में साइड रोल में नजर आ चुके वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस नीलम कोठारी के पति अभिनेता समीर सोनी हैं। समीर सोनी ने साल 2011 में नीलम कोठारी से शादी की थी। ये दोनों की ही दूसरी शादी थी। समीर ने साल 1996 में पहली शादी की थी जो 6 महीने में ही टूट गई थी। समीर सोनी और नीलम कोठारी की पहली मुलाकात एकता कपूर ने करवाई थी। एकता और नीलम शुरुआत से ही काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। समीर और नीलम पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे लेकिन दोनों ने एक दूसरे को समय दिया और पहली शादी टूटने के 3 साल बाद तक डेट किया। इन दोनों ने अपने रिश्ते की खबर कानों कान किसी को नहीं होने दी थी। हालांकि एक वक्त आया जब दोनों ने एक दूसरे को हमसफर बना लिया था। समीर सोनी ने भले ही कई फिल्मों में साइड रोल निभाए हों लेकिन फिल्मों में उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन जब उन्होंने OTT की ओर रुख किया तो एकता कपूर की वेब सीरीज बेवफा सी वफा में उन्होंने ऐसा शानदार काम किया कि उसके बाद वो कई वेब सीरीज में नजर आए। बीते साल वो वेब सीरीज सर्वम शक्ति मैम में भी नजर आए थे। इस तरह उन्होंने अपने दमदार किरदारों से OTT पर धाक जमा ली है। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही जानकारी के साथ। तो दोस्तों बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।